देखो गाइस ये लालबाग का डेकोरेशन चल रहा है यहाँ पे। लालबाग के बाहर का वेन्यू है, मतलब अगर आप लालबाग के दर्शन के लिए आओगे तो यहीं से आपको अंदर आना पड़ेगा। वो रहा लालबाग के बाकी मूर्ति बन रही है ना उस जगह पे जाने का रास्ता वहाँ से। हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आप लोगों ने इतना सारा कमेंट दिया, इतना सारा प्यार दिया, जिस वजह से मेरे को आना पड़ा गणपति बाप्पा का वीडियो बनाने के लिए। और फर्स्ट वीडियो मैं जा रहा हूँ लालबाग से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो गया साल था तब भी मैंने लालबाग से वीडियो को स्टार्ट किया था बनाना, और इस बार भी मैं जा रहा हूँ लालबाग। और पीछे का आप ये तो बाहर का डेकोरेशन है, हम लोग आप लोगों को अंदर का डेकोरेशन दिखाएंगे जितना दिखा सकते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट दिया था, जिस वजह से इस साल भी हमको वीडियो बनाने का पूरा मोटिवेट है। और आप लोगों को पार्ट पार्ट के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कितने पार्ट से वीडियो आएगा, कितने पार्ट से वीडियो नहीं आएगा। लेकिन लास्ट साल आप लोगों ने जैसा सपोर्ट और प्यार दिया था, आप लोगों को इस साल भी सपोर्ट और प्यार देना है। प्यार तो पापा दे रहे, आप लोग सपोर्ट देना। लास्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग चालू किया था तब 2K सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज हमारे पास 2,00,000 लोगों का प्यार मेरे चैनल पे आप लोगों ने दिया है, पापा ने भी दिया है। तो आप लोग सपोर्ट और प्यार देना। हम लोग जाते हैं अंदर, लालबाग का कितना डेकोरेशन हुआ है कितना नहीं हुआ आप लोगों को बताएंगे। और थैंक यू सो मच सपोर्ट पापा लोगों के प्यार से। और देख सकते कितना सारा बारिश है, और फिर भी हम लोग यहाँ पे वीडियो के लिए मैं आ गया हूँ। और आप लोगों को दिखाता हूँ पापा का जो अंदर का डेकोरेशन है वो सब। लालबाग के बाहर का वेन्यू है, मतलब अगर आप लालबाग के दर्शन के लिए आओगे तो यहीं से आपको अंदर आना पड़ेगा, और यहीं पे आपको बैठना पड़ेगा, और यहीं से आप लोग अंदर जाओगे। और वो रहा लालबाग के वहाँ पे जाने का, मतलब जहाँ पे पापा की मूर्ति बन रही है ना उस जगह पे जाने का रास्ता वहाँ से है। और यहाँ पे आप लोगों को खड़े रहना पड़ेगा जब आप पापा के दर्शन करने के लिए आओगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं एंड पापा का जितना डेकोरेशन हुआ है वो आप लोगों को। हम लोग लालबाग के जो गली थी, जो इसके पहले भी मैं आया था जब गए साल गणपति आया था, वही गली में फिर से आ चुका हूँ। और अभी अंदर है लालबाग का डेकोरेशन हो रहा है, और डेकोरेशन बाहर से दिख रहा है कि अंदर हो चुका है थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को वो सब दिखाएंगे हम लोग। और लास्ट टाइम जैसे ब्लॉग करके गया था, इस बार भी सेम उसी तरह से उसी जगह से मैं ब्लॉग करते हुए जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कुछ अलग बदलाव आ गया मेरे अंदर। ऐसा कोई बदलाव नहीं है, और वहाँ पे लालबाग का जो है डेकोरेशन का चल रहा है। अभी जाके दिखाते हैं आप लोगों को। अभी फिलहाल बारिश बहुत हो रही है, फोन पे भी बहुत बारिश आ रहा है, तो हम लोग आपको सीधा अंदर जाके देखो भाई ये डेकोरेशन है लालबाग का। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट बहुत सारा प्यार दिया है, जिस वजह से बारिश में आना पड़ा है। और ये लालबाग का डेकोरेशन जो बाहर से, अभी फिलहाल हम अंदर पहुँचे नहीं है, तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखो गाइस इतना तो डेकोरेशन यहाँ पे हुआ है, देखो गाइस डेकोरेशन चल रहा है यहाँ पे। देखो ये लालबाग का डेकोरेशन पिछले साल तो 1 महीने के बाद चालू हुआ था, लेकिन इस बार ना यहाँ पे 2 महीने पहले चालू हुआ, परमिशन मिल गया होगा। और यहाँ पर देख सकते हो लालबाग का जो आप लोग बहुत सारा कमेंट करे थे प्यार करे थे, फाइनली मैं उस जगह पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे काम का चालू है डेकोरेशन का, बहुत ही मस्त बहुत ही प्यारा सजावट लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे बंदे लोग काम कर रहे हो। मेरे पीछे लालबाग का डेकोरेशन चल रहा है, और मेरा वॉइस इतना अच्छे से आ रहा है कि पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे काम भी चल रहा है उसका आवाज़ भी आ रहा है। और पीछे लालबाग का डेकोरेशन हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। आप लोगों ने इतना प्यारा सा कमेंट किया ना यार, मेरे को यहाँ पे आना पड़े बारिश में भी। और आप लोग देख सकते हो पीछे लालबाग का डेकोरेशन चल रहा है, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लग रहा है गए साल से, और गए साल थोड़ा लेट चालू हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था, जिस वजह से परमिशन नहीं मिला था यहाँ पे, लेकिन इस बार परमिशन बहुत जल्दी मिल चुका है, इसलिए लालबाग का गणपति भी डेकोरेशन भी बहुत जल्दी यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। और अभी तक तो मंडप ही बांध रहे, क्योंकि मंडप पहले बाद में गणपति 1 महीने में तो तैयार हो ही जाएगा, पर फिलहाल तो यहाँ पे मंडप का काम चल रहा है डेकोरेशन का, अभी इतना हुआ नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि लालबाग का ना जो इस बार का डेकोरेशन है, मुंबई में जितने भी गणपति डेकोरेशन बनता है ना, तो इस बार लालबाग का सबसे जल्दी और सबसे फास्ट बना है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी डेकोरेशन देखे हैं वो लोग को वो भी स्टार्ट भी नहीं हुए अच्छे से, मतलब नॉर्मल सा थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब 1% जितना, लेकिन लालबाग का जो 10% से ज़्यादा लग रहा है। और इस बार कुछ ज़्यादा जल्दी लालबाग का जो डेकोरेशन है वो रेडी कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई लोग अंकल लोग अपना काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और लालबाग को बनाने का भी प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, अभी डेकोरेशन का प्रोसेस चालू है। और आप लोग कमेंट कर रहे थे भाई लालबाग जाओ लालबाग जाओ, तो फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारा प्यार देना है, जिस वजह से मैं आप लोगों को लालबाग के भी जितने पार्ट्स हो सकते हैं वो पार्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके पहले भी मैं पार्ट 5 तक गया था, इस बार भी मैं ट्राई करूंगा कि पार्ट 6 पार्ट 7 तक जाऊँ, ताकि आप लोगों को एक से एक अपडेट मिलता रहे कि कैसे करना है, मतलब कैसे क्या हो रहा है बोल के। बस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं आपको स्टोरी के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा कौन सा वीडियो कब आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरी आईडी यहाँ पे आ गई होगी, आप लोग फटाफट से मुझे फॉलो करो। और पीछे देख सकते हो कितना प्यारा सा दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अंकल वगैरह काम कर रहे हैं डेकोरेशन के लिए, और ये बापा का मूर्ति यहाँ पे बैठने वाला है जिसका डेकोरेशन यहाँ पे चल रहा है। और लालबाग का गणपति का बात सुनेगा ना तो दिल में ना बोलते ना एक खुशी सी आती है कि भाई पापा लालबाग के गणपति के वहाँ पे हम लोग खड़े, जहाँ पे लालबाग का गणपति बनता है। लालबाग का गणपति मुंबई वासियों के लिए तो
इतनी बड़ी बात नहीं होती क्योंकि हर साल देखने मिलता है हम लोग को, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं जैसे कि मुंबई के बाहर वाले, उनको कभी ऐसा देखने मिलता नहीं, लाल बाग का दर्शन करने मिलता नहीं, लेकिन जो जो दर्शन करते हैं उनको पता है कितना मजा आता है। और जो लोग नहीं करते हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। आप लोगों को लाल बाग का गणपति देखने में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा कि लाल बाग का गणपति कब आएगा, कैसे बनेगा, डेकोरेशन क्या है, ये सब कुछ आपको मेरे वीडियो के माध्यम से देखने मिलेगा। तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको आगे से वहाँ पर भी जाके दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ से एकदम अच्छा क्लियरिटी आ रहा है लाल बाग के डेकोरेशन का। पहले वहाँ पर जाते चलो। कुछ ऐसा होगा कि ये सामने वाला पार्ट है, यहाँ से मतलब शेड दिखेगा और उस तरफ से हम लोग क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस वीडियो बनाते, सामने वाला पार्ट है लाल बाग का। देखो कितना प्यारा था, अभी से इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे लाइटिंग वगैरह। ये मत सोचना कि रात का टाइम है, ये फिलहाल अभी 11:30 या 12 बजे अभी का टाइम है और कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह, यहाँ पे अंकल वगैरह देखो कितना कहाँ कहाँ पे चढ़ के डेकोरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे मेंबर्स वगैरह यहाँ के जो देख रहे कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है बोल के। तो यहाँ पे रहने का अलग ही मज़ा है कि मुंबई में रहने का एक मज़ा है कि गणपति उत्सव में बहुत मज़ा आता है गणपति वगैरह देखने के लिए। लास्ट में बुरा लगता है जब गणपति को किस तरह से उन लोग विसर्जन करते, वो वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाया होगा लास्ट ईयर्स में। लेकिन इस बार देखो गाइस लाल बाग का बहुत जल्दी प्रिपरेशन हो गया है, हर दिन आपको नया नया ब्लॉग मिलेगा, बस आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, प्यार देना, जिस वजह से मोटिवेट मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। और मुझे भी मन करे कि ऐसे बारिश में भी आप लोगों के लिए वीडियो आती रहे मेरे चैनल पे बैक टू बैक। तो मैं आपको यहाँ पे सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, तो जितना मैं दिखा सकता हूँ। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever. हम लोग छतरी के माध्यम से ब्लॉग को कर रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। और लाल बाग के अंदर का डेकोरेशन वगैरह आप लोगों को जितना देखना था उतना तो मैंने दिखा दिया। आप लोग प्यार और सपोर्ट देते रहोगे ना गाइस लोग, लास्ट टाइम जैसे आप लोगों को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में दिखाया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इस बार भी मैं आपको वैसे ही करूँगा। तो आप लोग ना प्लीज़ वीडियो को शेयर करो क्योंकि ज़्यादा लोग को मालूम पड़ना चाहिए लाल बाग के बारे में। हाँ, ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए लाल बाग के डेकोरेशन के बारे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और आप लोगों का अंदर का डेकोरेशन कैसा लगा, कितना हुआ है, क्या हुआ है, आपको जो भी बोलना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक बाय।